सिग्नल वर्सेस व्हाट्सएप, ऐसा है क्या? दरअसल खबरें तो ऐसी ही हैं। जब से व्हाट्सएप ने नियम में बदलाव की बात कही है, तब से एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है, वो है सिग्नल। चलिए जरा सिग्नल के बारे में बात करते हैं और आखिरकार जान लेते हैं कि सिग्नल है क्या और जिसे व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट कहा जा रहा है। लोग अचानक प्राइवेसी फोकस्ड मैसेजिंग ऐप सिग्नल पर टूट पड़े हैं। दरअसल हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने टेस्ला के CEO एलन मस्क ने सिग्नल को लेकर एक ट्वीट किया है और लोगों से इसे इस्तेमाल करने की बात कही है। मस्क के 7 जनवरी को किए गए इस ट्वीट के बाद बड़ी संख्या में लोग सिग्नल ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। सिग्नल भी व्हाट्सएप की तरह एक एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैटिंग ऐप है, यानी कि इस ऐप पर की जाने वाली आपकी सारी बातें पर्सनल रहेंगी। बढ़ते डाउनलोड्स के बीच सिग्नल भारत समेत कई देशों में एप्पल के ऐप स्टोर में अब टॉप फ्री ऐप बन गया है। सिग्नल ने टॉप फ्री ऐप्स का ऐप स्टोर चार्ट्स ट्वीट किया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो किन मार्केट्स में अभी नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गया है। सिग्नल ने भारत, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हांगकांग और स्विट्जरलैंड में नंबर 1 की पोजीशन के लिए व्हाट्सएप को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा जर्मनी और हंगरी में सिग्नल गूगल प्ले स्टोर में भी टॉप फ्री एप्स बन गया है। सिग्नल ने दिसंबर 2020 में अपने लेटेस्ट वर्जन के साथ ग्रुप कॉल लॉन्च किया और एनक्रिप्टेड किया है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि सिग्नल पर इतना ज्यादा जोर क्यों है। सिग्नल ने दिसंबर 2020 में अपने लेटेस्ट वर्जन के साथ ग्रुप कॉल लॉन्च किया और यह एनक्रिप्टेड है। सिग्नल पर्सनल डेटा के तौर पर सिर्फ आपका फोन नंबर स्टोर करता है और ऐप इसे आपकी पहचान से जोड़ने की कोई कोशिश नहीं करता। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद से दुनिया भर में बायकॉट व्हाट्सएप ट्रेंड करने लगा है, क्योंकि इसमें यूजर की वो सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन शामिल है जिन्हें वो किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते। यूजर के मोबाइल नंबर, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, अगर आप व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो अनसेंड और सेंड चैट, डिवाइस और लोकेशन संबंधित जानकारियां भी फेसबुक अपने डेटा सर्वर में स्टोर करेगी और जाहिर है यूजर्स ऐसा नहीं चाहते। सिग्नल के अलावा टेलीग्राम को भी व्हाट्सएप के विकल्प के तौर पर लोग देखने लगे हैं। तो क्या व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी से यूजर्स नाराज हैं?